नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री 247 में। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल बुक्स की तरफ से आने वाली मध्यकालीन भारत, जिसके लेखक है सौरभ कुमार सौबे। यह पुस्तक का संशोधित संस्करण है जो मार्च 2023 में आया है और इसकी रेट यहाँ 325 रुपये लिखी है, 255 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगी ये। बाकी अगर आपके कोई सुझाव हो इस बुक में, त्रुटि हो, तो आप इस नंबर भी दिए हुए हैं भेज सकते हैं। उपयोगिता की बात करें तो ये बुक है वो सिविल सेवा, TGT, PGT और UGC नेट, और इसके साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल वैधता भर्ती में भी उपयोगी मान सकते हो, उपयोगी है ये। बाकी मध्यकालीन भारत में दो ही टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं, एक तो होता है दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुगल काल। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और इस्लाम का उदय भी थोड़ा दिया हुआ है, या आप पूरी इंडेक्स देख सकते हो उनकी। इस्लाम का उदय, सिंध पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत, सल्तनतकालीन प्रशासन, संस्कृति, शिक्षा का विकास, सल्तनत की सीमांत नीति, मध्यकालीन इतिहास लेख, सूफीवाद एवं भक्ति आंदोलन। ये एक तीसरा टॉपिक जो अहम टॉपिक होता है मध्यकाल का, सूफी और भक्ति आंदोलन। बाकी प्रांतीय राज्य, मुगल वंश, मराठा और मुगल प्रशासन एवं संस्कृति। इसके बाद में परिशिष्ट दिया हुआ है, कुल पेज इसमें है 444 पेज एंड ये कुछ सैंपल पार्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से इंडेक्स बनाई हुई है, पूरे शासकों के नाम, खिलजी वंश वगैरह, पूरे वंश को का उल्लेख किया गया और उनके साथ में उनका जो शासनकाल का जो समय है वो भी कलावधि बताई गई है। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो पेज क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है और फॉन्ट की जो आकार है वो भी ठीक ठाक है, आपको अच्छे से दिख जाता है। और इसकी बढ़िया बात ये है कि जैसे ही देखो यहाँ पे दिया है दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत और प्रशासन संस्कृति जैसे ही देखो 143 पेज पे ख़त्म हो रहा है, तो इन्होंने 143 के आसपास ही पूरे क्वेश्चन ऐड कर दिए गए। देखिए ये फिर शिक्षा का विकास और इसके बाद में इन्होंने क्वेश्चन ऐड किए हैं। ये देखिए सल्तनत पूरा जितना भी दिया है उन सब के प्रश्नोत्तर यहाँ पे दिए हैं। इसी प्रकार से मुगल काल के भी क्वेश्चन, पूरा मुगल वंश समाप्ति के पश्चात में क्वेश्चन पूरे एक साथ ही ऐड कर दिए गए हैं। क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे ये यहाँ में देखने को मिल जाते हैं एंड इस प्रकार से ये क्वेश्चन के बाद में फिर सूफी एवं भक्ति आंदोलन का पार्ट आ जाता है और इसके भी क्वेश्चन यहीं पे पीछे दे दिए गए हैं। ये देख सूफी साहित्य, सूफी महिलाएं बड़ी विस्तृत दिया है, चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, सतारिया सिलसिला, फिरदौसिया, फिर यहाँ से भक्ति आंदोलन शुरू होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं पीछे, तो सूफी एंड भक्ति आंदोलन के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। कुल 103 क्वेश्चन इनके दिए हैं। फिर प्रांतीय राज्य टॉपिक आता है अपना और उसमें संगम वंश वगैरह, अरिविदु वंश एंड बहमनी साम्राज्य, फिर कश्मीर, जौनपुर, मालवा, गुजरात, बंगाल, मारवाड़, गजपति और फिर यहाँ प्रांतों के क्वेश्चन शामिल कर दिए गए हैं और यहाँ से मुगल वंश शुरू हो जाता है। प्रांतों में थोड़ा क्वेश्चन 85 क्वेश्चन है, ठीक ही है 85, वैसे कम ही आते हैं प्रांतों से क्वेश्चन। एंड मुगल वंश यहाँ पे पूरी इंडेक्स दे दिया है मुगल वंश का भी, शासक और उसका मूल नाम एंड यहाँ पे पूरे जो क्रम से लिख दिए हैं शासक,
इसके बाद ये, इसके बाद ये उत्तर मुगल वाला यहाँ पे अलग से ऐड किया गया है। बाकी शैली इसकी बहुत ही बढ़िया है, जैसे ये जहांगीर शाहजहां सारी पहले पुस्तकों के बारे में बताया गया, उनके जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं वो पहले दिए हैं, जैसे इतिहास के स्रोत हैं मुगल वंश के वो पहले दिए गए हैं इसमें, और इसके बाद में इनका ये राजनीतिक इतिहास शुरू होता है जिसमें बाबर का पूरी डिटेल दी हुई है, फिर पानीपत का युद्ध भी दे दिया, एंड फिर बाबरनामा जो बाबर ने लिखा था उसकी आत्मकथा थी वो भी यहाँ पे लिख दी गई है, फिर हुमायूं खलीफा का षड्यंत्र प्रमुख अभियान, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, इनकी पत्नी द्वितीय अफगान वंश सूर्यवंश जो 20 में आया था उसको भी यहाँ ऐड किया गया है, और सूर्यवंश की जो मारवाड़ में युद्ध हुआ था गिरि सुमेल वाला और सेमल वाला वो भी ऐड किया है, फिर इनका प्रशासन, भू राजस्व व्यवस्था, सिक्के, उपलब्धियाँ सब ऐड किया गया है, इस्लाम शाह और फिर हेमू का भी थोड़ा वर्णन है यहाँ। यहाँ से शुरू होता है अकबर, अकबर और पानीपत का युद्ध महाराणा प्रताप के साथ जो इनका संघर्ष हुआ था वो भी महाराणा प्रताप की भी यहाँ डिटेल दी हुई है, फिर अकबर की राजपूत नीति, दक्षिण अभियान, अहमदनगर, प्रमुख विद्रोह, इबादत खाना, अकबर की धार्मिक नीति, दीन इलाही, जो भी अकबर के संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो सारे इसमें ऐड कर दिए गए हैं, अकबर के नवरत्नों को भी ऐड किया गया है, फिर जहांगीर अभियान, इस तरह से पूरे मुगल वंश का एक एक शासक का पूरा विस्तार से डिटेल दी हुई है, ये साझा हो गया, और फिर औरंगजेब आलमगीर इसको भी ऐड किया गया है, काफ़ी लंबा विस्तृत डिटेल दी हुई है, फिर मराठों को भी यहाँ ऐड किया है, और मराठों का यह विस्तृत इतिहास आपको देखने को मिल जाएगा, फिर मुगल प्रशासन संस्कृति का भी बहुत ज़्यादा डिटेल में दी हुई है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर नेहट जे अरब के लिए बहुत ही उपयोगी सामग्री यहाँ पे दी हुई है, मुगल चित्रकला, कला स्थापत्य पूरा दे दिया है, विज्ञान प्रौद्योगिकी की मतलब मुगल काल से जो भी संबंधित फैक्ट हैं वो सारे यहाँ दे दिए, मुगल सल्तनत काल और ये अपने भक्ति सूफी आंदोलन उन सबको ऐड किया गया, और फिर क्वेश्चन भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, ये देखिए मुगल काल के क्वेश्चन हैं वो 356 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए गए हैं, और ये परिशिष्ट है जिसमें उपनाम या उपाधि और संबंधित व्यक्ति का नाम दिया गया है, यहाँ पे मध्यकालीन नाम और संबंधित शहर भी बताए गए हैं, प्रमुख शब्दावलियाँ जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मुगल काल का कि प्रमुख शब्दावलियाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, स्पेशली नेट के एग्ज़ाम में तो आपको दो क्वेश्चन मिनिमम मान के चल सकते, चलो आपकी आएंगे ही आएंगे, फिर इस बुक को लिखने की जो संदर्भ ग्रंथ सूची है उसको भी यहाँ पे बताया गया है, और यूनिवर्सल बुक्स की जो अन्य पुस्तकें आती है वो भी बताई हुई है, प्राचीन भारत सौरभ सौबे की जो बुक है इसकी अभी नया एडिशन आया है, जैसे ही वो मार्केट में आएगा अपन उस पर वीडियो बना देंगे, बाकी और भी इनके जो एडिशन बुक्स आती है वो सब, और यहाँ पे लेखक परिचय दिया गया है, ये अमेज़न फ्लिपकार्ट के पे भी आपको बुक मिल जाएगी, एंड बुक पेपर कोई साइट है वहाँ भी मिल जाएगी, और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका एक लिंक ऐड कर देंगे, रेट मैंने बता दिया आपको 255 रुपये जोधपुर की रेट है, और शायद यही रेट आपको और भी अन्य शहरों में भी देखने को मिलेगी, तो यही था मध्यकालीन भारत सौरभ सौबे की बुक, एंड बुक बहुत अच्छी है, फैक्ट बहुत सारे ऐड किए हैं इसमें, तो नेट जे आर एफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, और आप स्कूल लेक्चरर और TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए उपयोगी बुक है ये, एंड जो सिविल सेवाओं की परीक्षाएं होती है उनके लिए भी उपयोगी बुक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।